हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है शिवानी आर्ट क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज अपने इस वीडियो में हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि भारतीय मूर्तिकला के प्रश्न हैं। सभी प्रश्न एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो आप ध्यान से वीडियो को देखिए और पूरा लास्ट तक देखिए। सभी प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे आप TGT की तैयारी कर रहे हों, PGT की कर रहे हों, NVS, KVS, GSSB या फिर NET JRF, सभी एग्ज़ाम के लिए, आर्ट का इवन कोई भी एग्ज़ाम हो आर्ट से रिलेटेड, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके लिए। जो भी फ्रेंड्स चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन होगा वो मिल सकेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन है, कामाख्या देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? कामाख्या देवी का मंदिर गुवाहाटी असम में स्थित है। नेक्स्ट है, नशना कुठार मंदिर कहाँ स्थित है? नशना कुठार का मंदिर जो है ये पार्वती देवी का मंदिर है और ये पन्ना जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिगवा मंदिर कहाँ स्थित है? तिगवा का विष्णु मंदिर जो है ये जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाड खान मंदिर कहाँ स्थित है? लाड खान मंदिर आईहोल कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण चामुंडा राय ने करवाया था और ये श्रवण बेलगोला कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावण कैलाश पर्वत हिलाते यह चित्र किस संग्रहालय में है? तो ये चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल वंश के शासक राजा राज प्रथम ने करवाया था और इस मंदिर का निर्माण काल जो है 1003 से 1010 ईस्वी के मध्य है। साथ ही बृहदेश्वर को राज राजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर का शिखर जो है ये 50 फुट ऊंचे वर्गाकार आधार के ऊपर है और यह उत्तरोत्तर छोटा होता गया और यह मंदिर 190 फीट ऊंचा है। बृहदेश्वर मंदिर के गर्भगृह में विशाल शिवलिंग है। दक्षिण भारत के सर्वश्रेष्ठ मंदिरों में यह मंदिर गिना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओडिशा का कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो आप सभी जानते हैं कि ओडिशा का कोणार्क मंदिर जो है ये भगवान सूर्य को समर्पित है, जिसे रवि के नाम से भी जिन्हें जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा रवि, भगवान सूर्य ब्रैकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजवंश ने जम्मू कश्मीर राज्य में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? करकोट राजवंश ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टान से अखंड मूर्ति कला के शानदार उदाहरण पंचरथ स्मारक का परिसर कहाँ है? महाबलीपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशावतार मंदिर किस राजवंश ने बनवाया था? दशावतार मंदिर गुप्त राजवंश ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क मंदिर के रथ को कितने घोड़े खींच रहे हैं? तो कोणार्क का जो मंदिर है यहाँ पर रथ को 7 घोड़े खींच रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोलकालीन नटराज मूर्ति किस भंगिमा में है? चोलकालीन जो भगवान शिव की नटराज की मूर्ति है यह जो है अति भंग भंगिमा में है। भंगिमा मतलब मुद्रा, किस मुद्रा में है? तो अति भंग मुद्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव वामन मूर्ति किस संग्रहालय में स्थित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध वास्तुकला में चैत्य क्या है? तो बौद्ध वास्तुकला में चैत्य जो है ये प्रार्थना कक्ष है, सॉरी यहाँ पे करता है, यहाँ होगा कि चैत्य क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा के जैन मंदिर किससे बने हैं? दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है ये सफ़ेद संगमरमर से बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो के अधिकांश मंदिरों का निर्माण किस राजवंश द्वारा करवाया गया था? खजुराहो के अधिकांश मंदिरों का निर्माण चंदेल राजवंश के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटरा टीला मथुरा से प्राप्त बुद्ध की आसीनस्थ प्रतिमा किस काल की है? ये कुषाण काल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भगृह की अवधारणा किससे संबंधित है? तो गर्भगृह जो हिंदू मंदिर है उसी से संबंधित है, आंसर होगा हिंदू मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की मानवीय रूप में प्रतिमाएं किस संप्रदाय में प्राप्त होती है? आंसर है महायान संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैल उत्कीर्ण रथ मंदिरों का निर्माण किससे हुआ था? बलुआ पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चोलकालीन देवी उमा की मूर्ति किस समयावध से संबंधित है? इसका आंसर है 12वीं शती से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंदरिया महादेव मंदिर किसको समर्पित है? कंदरिया महादेव मंदिर जो है ये भगवान शिव को समर्पित है, सॉरी यहाँ पे भगवान विष्णु लिखा हुआ है, भगवान शिव को समर्पित है। कंदरिया महादेव मंदिर जो कि नाम से ही पता चलता है, कंदरिया महादेव का मंदिर जो है ये भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल में ठोस धातु की ढलाई के लिए कौन सी विधि उपयोग में लाई गई? तो इसका आंसर है मोम निकालने की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और तकनीकी के ऊपर हमने एक वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। एलोरा की गुफाएं किस गुफा के निकट स्थित हैं? एलोरा की जो गुफाएं हैं ये अजंता गुफाओं के पास स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे विशालकाय शिलाकट मंदिर भारत में कौन सा है? तो इसका आंसर होगा एलोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण काल के बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति किस संग्रहालय में है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर की एक वर्ग पीठ पर बैठे हुए मूर्ति की मुद्रा को क्या कहा जाता है? वज्र पर्यकासन मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवी माँ जिसे मदर गॉडेस भी कहा जाता है कि सबसे विशेषता क्या है, विशेष विशेषता क्या है? पंखे नुमा आकार की टोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक पगोडा में भारी पहियों के कितने जोड़े हैं? तो ब्लैक पगोडा में भारी पहियों के 12 जोड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैकुंठ पेरुमल मंदिर कहाँ स्थित है? बैकुंठ पेरुमल मंदिर जो है ये कांचीपुरम में स्थित है। तो फ्रेंड्स, आज का यहीं पर क्वेश्चन ये लास्ट होता है। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। TGT, PGT, KVS, NVS, DSSSB, NET, GRF, BFA, MFA, किसी भी आर्ट के एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आप शिवानी आर्ट क्लासेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल पर जो भी वीडियो हैं वो आर्ट के सिलेबस को देखते हुए बनाए गए हैं। लगभग वो सभी आर्ट एग्ज़ाम में पूछे गए होते हैं प्रश्न वहाँ से, और मैंने जो प्रश्नों की सीरीज़ दी है, 500 प्रश्नों की श्रृंखला है, आप उसको देख सकते हैं। वहाँ पे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अक्सर क्या होता है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट ही किए जाते हैं, कभी वो NVS में पूछा जाता है, फिर वही क्वेश्चन आपका KVS में आ जाता है, नेक्स्ट बार वो DSSB में आ जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो आपसे भी चैनल पर बने रहिए और अपनी तैयारी को करते रहिए, क्योंकि विज्ञापन कभी भी जारी हो सकता है, तो आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।